तो देखिए फाइनली आदि पुरुष के रिलीज का इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। आदि पुरुष कल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है और आप देखेंगे तो साउथ में आप देखेंगे तो परमिशन मिल चुकी है कि सुबह 4 बजे तक के शोज हमें देखने को मिलेंगे। सुबह 4 बजे का पहला शो देखने को मिलेगा, मॉर्निंग शोज कई जगह हमें देखने को मिलेंगे सुबह 4 बजे के। तो अलग ही क्रेज है प्रभास का, और साउथ स्टेट्स में आप देखेंगे तेलुगु स्टेट्स में तो अलग ही तरीके का जलवा रहता है प्रभास का। तो वैसे ही कोई सी भी उनकी फिल्म आप भले ही राधे श्याम को डिजास्टर बोल लो, लेकिन उस फिल्म ने भैया वहाँ पर भी धमाल मचा था, अलग ही सेलिब्रेशन के साथ फिल्म रिलीज की गई थी। ऐसे में आदि पुरुष तो देखिए फिर अलग ही फिल्म है, प्रभास श्री राम जी का किरदार निभा रहे हैं। हिंदी में पता नहीं क्यों फिल्म की एडवांस बुकिंग कुछ खास नहीं हुई है, मतलब एक्सपेक्टेशन थी लोगों की पठान की इतनी कमाई करेगी, पठान के रिकॉर्ड तोड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी है फिल्म की एडवांस बुकिंग, पता नहीं क्यों। बाकी तेलुगु में आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी लेट शुरू हुई वहाँ की एडवांस बुकिंग, लेकिन उसके बावजूद भी क्या धमाल मचा आप देखेंगे वारंगल, विजयवाड़ा, वायजैग, इन हैदराबाद, मगर मतलब क्या ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है एडवांस बुकिंग में। आप देखेंगे 90-90, 80-80% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है, टिकट सोल्ड आउट देखने को मिल रहा है, मतलब जरा सी देर में टिकट्स वहाँ के सोल्ड आउट होगा, इस तरीके का रिस्पांस वहाँ देखने को मिला। हिंदी की कलेक्शंस की बात करेंगे कि फिल्म के फर्स्ट डे कलेक्शन की, तो हिंदी में फिल्म कहीं ना कहीं 30 करोड़ के आसपास ओपनिंग ले रही है। हालांकि लग रहा था पहले कि 50 करोड़ के पार जा सकती है, लेकिन एडवांस में कुछ खास नहीं हुई है। हो सकता है रात तक और टिकट्स में भी ये ग्रोथ देखने को मिले कल सुबह तक, और मतलब तो देखिए एडवांस बुकिंग में तो लोग करते हैं काफ़ी लोग, क्योंकि एंड टाइम पर बुक करते हैं कि नहीं भैया कल जा रहा हूँ देखने, तो रात को बुक कर दिया। तो साउथ में तो देखिए मिलने ही नहीं कल के टिकट। बाकी हिंदी में देखेंगे तो आप कई जगहों पर आपको देखेगा कि खाली चल रही हैं, खाली अवेलेबल हैं सीट्स वगैरह। तो उम्मीद करूंगा भैया फिल्म हिंदी में भी कल धमाकेदार ओपनिंग ले, और बाकी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी पर डिपेंड करेगा आप कल के बाद की फिल्म किस तरीके की है। यदि ऑडियंस को पसंद आती है फिल्म तो इस फिल्म को रोकना नामुमकिन है। एक तो देखिए रामायण है, रामायण से देखिए अलग ही जुड़ाव है लोगों का, मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो क्या चीज़ है। तो ऐसे में देखिए यदि फिल्म कनेक्ट कर पाती है, ऑडियंस को पसंद आती है फिल्म, तो इस फिल्म को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। एक महीने तक फिल्म ऐसा धमाल मचाएगी, भले ही कल कम ओपनिंग ले ले फिल्म हिंदी में, लेकिन बाद में मुझे लगता है कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिलेगी। बाकी सब जगह देखिए खतरनाक कमाई करनी, हिंदी में 30 करोड़ के आसपास का कलेक्शन आ रहा है, लेकिन तेलुगु में आप देखेंगे तो तेलुगु में हिंदी से डबल आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 60-65 करोड़ रुपये फिल्म सिर्फ और सिर्फ तेलुगु वर्जन से कमाई करेगी पहले दिन, और बाकी सारी लैंग्वेज में भी फिल्म का कलेक्शन अच्छा आना है, तमिल में भी होनी है, कन्नड़ा, मलयालम, इन सब में भी होनी, तो कहीं ना कहीं 100 करोड़ के पार, 90 तो आप पकड़ के चलो कि 90 करोड़ रुपए फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन का लाने ही आना है। और बाकी देखिए उम्मीद करूंगा फिल्म शानदार हो, पसंद आए ऑडियंस को, धमाल मचाए फिल्म बॉक्स ऑफिस पर, और आने वाले दिनों में रिकॉर्ड्स बनाए।